Hello everyone, this is Abel. We are here discussing series of 1000 idioms. Here are the most important idioms from the previous year examination which will help you in many examinations. आइए आपके सामने पहला है देयर इज़ अ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ये नो लव लॉस्ट बिटवीन आप हमने पहले भी देख चुके हैं. नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है जब कोई दो लोगों के बीच में अच्छी टर्म्स ना हो, दैट मीन्स फ्रेंडली फीलिंग ना हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉट ऑन गुड टर्म्स. नॉट ऑन गुड टर्म्स नो लव लॉस्ट बिटवीन, इसका मतलब होता है दुश्मनी की भावना. आइए आगे बढ़ते हैं. अगला आपके सामने ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस. ये सिटिंग ऑन द फेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो के सारे ही idioms मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सिर्फ दो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी ये बात कि अगर किसी को लग रहा है कि यार मुझे इससे एग्ज़ाम में कैसे फ़ायदा होगा, तो हम 1000 idioms कवर कर रहे हैं यहाँ पर, चूँकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये बात आपको तब पता चलेगी जब ये सारी की चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी. उसके बाद आप में और पहले वाले आप में आप डिफरेंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. जब आप कंटेंट को एक बार में पूरा ही कवर कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम आगे जाकर नहीं आएंगी. तो मेरे साथ बढ़ते चलिए और कंप्लीट idioms को कंप्लीट करिए. ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन दी फेंस. अब सिटिंग ऑन दी फेंस का क्या मतलब होता है जी? सिटिंग ऑन फेंस का मतलब आप समझते हैं किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री होती है उसको हम फेंस बोलते हैं. तो आप ऐसा समझिए कि ग्राउंड के अंदर कुछ चल रहा है, ग्राउंड के अंदर कुछ चल रहा है और आप फेंस मतलब उसकी उसकी किस पर बैठे हैं, बाउंड्री पर बैठे हैं. सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो हेजिटेट हो कि उसे किस साइड जाना है. दैट मीन्स ना तो वो अंदर आ रहा है ना ही वो क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है. वो कहाँ पर बैठा है, फेंस पर बैठा है. दैट इज़ कॉल्ड हेजिटेटिंग विच साइड टू टेक. एक ऐसा कन्फ्यूज आदमी जिसको पता नहीं है उसको कौन सी साइड लेनी है, तो दैट इज़ कॉल्ड सिटिंग ऑन दी फेंस. आइए अगला आपके सामने. यू हैव टू रीड बिटवीन दी लाइन्स टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ दी सिम्बोलिक राइटिंग. मैंने आपसे कई बार बोला है कि रीड बिटवीन द लाइन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट idiom है और आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ इतने से क्वेश्चंस में ये 3 से 4 बार अभी तक रिपीट हो चुका है. ये 128 डाला, इसके मतलब इसके पहले हमने 127 कवर कर चुके हैं. तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब मैंने आपको समझाया भी था कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई भी हिडन मैसेज पहुँचाना है तो आप उसको क्या करते थे, जो भी पहले के टाइम में जो भी पत्र लिखा जाता था, तो आपको पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनसे लिख देते हैं तो नॉर्मली वो दिखता नहीं है. लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नींबू से किसी कागज़ पर लिख दीजिए तो वो एट अ टाइम आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसी चीज़ को आप बाद में आग के पास ले जाएंगे, आग की लौ के पास जब उसको तपाएंगे तो वो अक्षर क्या है दिखने लग जाएंगे. तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब यही होता है कि छोटे छोटे अक्षरों में लाइनों के बीच में कुछ ऐसा लिख देना जिससे समझने वाला जब उस चीज़ को निकाल कर पढ़ सके. तो दैट इज़ कॉल्ड अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. जो मीनिंग दिख नहीं रहा है उस चीज़ को समझ लेना ही रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है. गूढ़ रहस्य जान लेना, दैट इज़ कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइन्स. अगला आपके सामने idioms है. द रूलिंग पार्टी हैज़ बीन बाउंड नॉट टू प्ले टू द गैलरी. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नॉट टू प्ले टू द गैलरी. प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कि जब आप किसी का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टू सीक टू विन अप्रूवल, है ना. दैट इज़ कॉल्ड, ये आपका होगा किसी का ध्यान केंद्रित करना धोखे से. अगला आपके सामने द पासिंग ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ स्टक अ चिल टू द हार्ट ऑफ द एवरी अपॉर्चुनिस्टिक लेजिस्लेटर. स्टक अ चिल टू द हार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है. स्टक चिल टू द हार्ट का मतलब होता है अरोस्ड फियर, मतलब कि डर पैदा कर देना, लोगों के दिल में डर पैदा कर देना, दैट इज़ कॉल्ड अरोस्ड चिल टू द हार्ट होता है. अगला आपके सामने जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आर हाउस इज़ विद इन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम द रेड बिल्डिंग. विद इन अ स्टोन्स थ्रो. स्टोन का मतलब होता है पत्थर, थ्रो का मतलब होता है फेंकना. आप एक पत्थर उठाइए और उसको फेंक दीजिए तो आप कितना दूर फेंकेंगे, बहुत ज़्यादा दूर मुझे नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा दूर फेंक पाएंगे. बस उसी से बना बिटवीन विद इन अ स्टोन्स थ्रो, मतलब कि थोड़ी ही दूरी पर. तो फार ऑफ का मतलब तो दूर होता है, फार अवे का मतलब भी दूर होता है, बिसाइड का मतलब पास में होता है, लेकिन वेरी नियर टू मतलब बहुत पास में. देखिए बिसाइड वाला मतलब क्या है, जैसे एक कोई ये चीज़ है और इसके पास में ये कोई दूसरी चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड बिसाइड. लेकिन नियर मतलब पास में, तो विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होगा पास ही में. बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. अगला आपके सामने ही इज़ अ बॉन्ड टू, ही हैज़ अ बॉन्ड टू पिक विद हिज कज़िन. जो दो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, इसके जस्ट पहले जो दो आए थे. बॉन्ड टू पिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बॉन्ड टू पिक दैट इज़ कॉल्ड कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़ हम जिसको हिंदी में बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड टू पिक. अगला आपके सामने
मैनी यंग आर्टिस्ट बट ड्रॉपिंग नेम्स एट द पार्टी टू इम्प्रेस द गैदरिंग। जो आपके यंग आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं पार्टी पर, गैदरिंग द टू इम्प्रेस द गैदरिंग, गैदरिंग मतलब भीड़ भाड़, तो भीड़ को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉपिंग नेम्स। अब ये ड्रॉपिंग नेम्स जो हैं, कई लोग नहीं बोल देते हैं, आपने अभी एक काफ़ी सुनने में आ रहा है कि चाचा विधायक है हमारे, ये क्या है दी, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉपिंग नेम्स, मतलब कि अपना इम्प्रेशन डालने के लिए बड़े बड़े नामों को बताना कि मेरा इससे कनेक्शन है, मेरा उससे कनेक्शन है, ये सब करना, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉपिंग नेम। तो हिंटिंग एट हाई कनेक्शंस, क्या बोला, हिंटिंग एट मतलब वो हिंट कर रहे हैं कि मेरे इतने बड़े बड़े लोगों से क्या है, कनेक्शन है, तो उसी को बोलते हैं ड्रॉपिंग नेम्स, इम्प्रेस करने के लिए बड़े बड़े नामों का सहारा लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने, द टीचर अनाउंस्ड दैट सी हैड नो ब्लू आइड बॉय इन दी क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है आपका फेवरेट, ब्लू आइड बॉय फेवरेट लड़का, तो ब्लू आइड बॉय तो क्या कहा, फेवरेट, दैट इज़ कॉल्ड फेवरेट। तो टीचर ने कहा कि मेरा इस क्लास में कोई भी, देयर इज़ नो ब्लू आइड बॉय इन दी क्लास, उनका इस क्लास में कोई भी फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, दैट मीन्स उनके लिए सभी क्या है, समान स्टूडेंट हैं, उन्हें के लिए कोई खास नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे ही कवर करने हैं। मैं 1000 आपको कवर करवाऊँगा, जिसमें कि बहुत सारे आपके ईडियम्स कवर हो जाएंगे, फिर आप अपने आप में डिफरेंस देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।